अब मैं जा रहा हूँ गेम खेलने के लिए भाई, गुड लक लिख दो और जो भी होगा देखा जाएगा। है गेम 100 लोगों की, जो लास्ट में बचेगा एक बंदा वो जीतेगा $250,000। नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पता है यार, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस्टर बीस की वीडियो में देखा है अभी, और मेरे को यार इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि शंटी भाई आपको मिस्टर बीस की वीडियो में देखा है, आप वीडियो डालो। तो भाई मैं ये वीडियो ना बहुत पहले डालना चाहता था, ये एक महीने पहले हुई थी ये गेम, बट मिस्टर बीस ने बोला था कि भाई जब तक मैं वीडियो नहीं डालूंगा ना तो वीडियो मत डालना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। इससे पहले है ना मैंने किसी को भी नहीं बोला, मैं तो देखता हूँ कि लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। तो भाई वीडियो जैसे ही पोस्ट किए तो 400-500 मेरे को कमेंट आ गए मेरी वीडियोस पे इंस्टाग्राम पे कि शंटी भाई को देखा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आज शाम को ही डालता हूँ। आज सुबह ही मिस्टर बीस ने वीडियो डाल लिया, उन्होंने मेरे को ईमेल भी भेजा था आज हम लोग वीडियो डाल रहे हैं तो इसके बाद डाल सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं मिस्टर बीस की वीडियो में कैसे आया। आप लोगों को पता है मैं अमेरिका में हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ, वियर्ड वियर्ड प्लेस पे ट्रैवल करता हूँ, एरिया 51 हो गया, स्लैब सिटी हो गया, इसी तरीके की कोई उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने मेरे को बोला कि शंटी हमने आपकी वीडियो देखी यार बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि आप हमारी किसी वीडियो में आओ। तो मैंने उनको बोला ठीक है, ये कम से कम 3 महीने से बात हो रही थी मिस्टर बीस की टीम से। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हमारी एक वीडियो बन रही है और हम चाहते हैं कि आप इसका पार्ट बनो वीडियो का, और आप हिंदी बोलते हो, आप इंडिया से हो। तो मैंने कहा हाँ भाई। तो कह रहे कि ठीक है हम चाहते हैं कि भाई इंडिया का भी कोई बंदा यहाँ पे होना चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली यार। तो मैंने बोला मिस्टर बीस की वीडियो में कौन नहीं आना चाहता, तो मैं तो खुश हो गया था। फिर उन्होंने एक कोविड टेस्ट करना था उनको, उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट किया। तो मैंने एक है ना वीडियो बनाई है छोटी सी, आप लोग है ना ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। और मिस्टर बीस की टीम ने ना मुझे ये वाला बॉक्स भेजा था मेरे मेल में, और इन्होंने कहा था कि भैया आज है ना सुबह सुबह 11 बजे जो कि मेरा कोविड टेस्ट चेक करेंगे ऑनलाइन। तो अभी मैं ऑनलाइन चला गया था अपने लैपटॉप पे, तो सामने मिस्टर बीस की टीम के बंदे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कैसे चेक किया मेरा, ये मेरे को पैकेज भेजा था इस बॉक्स के अंदर सारा स्टिकर्स वगैरह। तो उन्होंने कहा कि भैया अब आप ऑन कर लो और अपनी नाक के अंदर डाल दो जैसे कोविड टेस्ट होता है सेम। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये स्टिक करके और इस तरीके से डाल के हमें दिखा दो। तो मैंने दिखा दिया उनको। तो ये देखो एक लाइन जो आई हुई है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कोविड नहीं है, अगर 2 लाइनें आ जाती तो कोविड होता। तो आज टाइम आ गया है मिस्टर बीस की टीम के पास जाने का। तो आज उनका कॉल आया था, कह रहे थे कि 5 बजे तक आप पहुंच जाना होटल के अंदर, क्योंकि 2 दिन है ना वो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन में रखेंगे कोविड की वजह से। वैसे तो कोविड किसी को भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, और कह रहे थे कि आज जब आप लोग आएंगे यहाँ पे होटल में तो दोबारा जो है कोविड टेस्ट होगा। तो अब क्या है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पे 2 दिन के लिए होटल में रुकूंगा, उसके बाद जो है गेम्स वगैरह होंगी। होटल का मैं एड्रेस इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, तो यार उन्होंने बोला है तो शेयर नहीं करता। वैसे नॉर्थ कैरोलिना ग्रीनविल के अंदर है, इतना मैं बता सकता हूँ जितना उन्होंने बोला था कि ग्रीनविल बता सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि ग्रीनविल में रहते हैं मिस्टर बीस्ट, मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पे है। मैं सोचा था अपनी वैन से जाने के लिए, फिर मैं सोचा कि नहीं यार मोटरसाइकिल सही है, आराम से चलते हैं। और आज का जो है ना दिन भी बहुत अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा भी आएगा। काफ़ी दिनों से मैंने मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई थी जब से मैं वापस आया था, तो आप लोगों को पता है मैं ट्रैवल कर रहा था काफ़ी लंबा। तो चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल लेके। तो यही है मेरे पास छोटा सा बैग जो अभी मैं लेके जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी लंबी गेम होगी। वैसे तो उन्होंने 7 डेज का बोला है, तो देखते हैं कि भाई क्या होगा। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, मेरा रूम नंबर है 314। तो चलो भाई ये है मेरा रूम, लाइट ऑन करते हैं। अरे कमाल हो गया ये तो, सामने देखो भाई टीवी पे लिखा हुआ है वेलकम संटी। ओहो मेरे को तो जबरदस्त मजा आ गया, और रूम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें किचन भी है रूम में। तो अगले 2-3 दिन भैया इसी रूम के अंदर है, तो पहले आप लोग को रूम का टूर दे देता हूं मैं। तो यहां से जो है रूम स्टार्ट होता है, यहां से मैंने एंट्री की है, और यार क्या बड़ा शानदार रूम है, मजा आ गया। यहां पर किचन है, तो किचन में अपना खाना पीना यहीं पर ही बनाने में मैं बना सकता हूँ। इन्होंने बैग दिया है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। ये यहाँ पे है अपना लैपटॉप रख के मैं काम करूंगा, यहाँ पे चेयर है, यहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। अब मेन जगह पे आते हैं यार, सोफा भी है यार इतना बड़ा भाई, किंग साइज बेड, बाथरूम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ से बाहर का नजारा,
ये भी सही है, मेरे को है ना अपनी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी कर देनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक बैग दिया है खाने पीने के लिए, ये है चिकन मैश कॉर्न, और एक ये बैग दिया है इन्होंने स्नैक्स के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या है भैया, बिस्किट है, ये क्या है कॉर्नफ्लेक्स है, पॉपकॉर्न भी दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या है कप नूडल्स, पानी की बोतल और बिस्किट। तो चलो यार अब आराम से मैं बैठता हूँ और रेस्ट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। आज भाई इन्होंने बोला है जो हमारी ड्रेस है वो इधर बाहर रख दी गई है, तो ये रख दी गई भाई हमारी ड्रेस है सबके रूम के बाहर, देख रहे हो। तो बस अब रेडी होते हैं, उन्होंने मुझे ड्रेस दी है, कहा है कि भाई ये पहन लो और फिर तुम्हें नीचे लेके जाएंगे कोई एक्टिविटी कराने के लिए। तो अभी फिलहाल मैंने अपनी पूरी ड्रेस पहन ली है जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं। अब बस दिमाग में एक ही चीज है कि किसी भी तरीके से ना इस गेम को जीतना है, जो भी टास्क देंगे ना उसमें भैया हारना नहीं है। अगर किसी और तरीके से निकल गया तो निकल गया, बट किसी भी टास्क के अंदर मैं हारूंगा नहीं, पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार ये जो गेम है ना मैं जीतूं। इस तरीके की गेम मैंने आज से पहले कभी नहीं खेली है, फर्स्ट टाइम है ये एक्सपीरियंस। मुझे पता है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग है ना मिस्टर बीस की गेम्स देखते हैं, और इन फ्यूचर मैं सोचा हूँ इसी तरीके की गेम अगर इंडिया में कराई जाए तो कैसा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि शायद कराऊं, आप लोग कमेंट में बताओ क्या आप लोग चाहते हैं मैं मिस्टर बीस के जैसे इंडिया के अंदर गेम्स कराऊं। तो अगर कमेंट्स में पॉजिटिव आता है तो सोची जाएगी कि भैया इन फ्यूचर शायद हो सकता है कि मैं आगे मिस्टर बीस के जैसे गेम कराऊं। बट आज की जो मेरी तैयारी है ना आज यही है, कुछ भी हो जाए भाई जान लगा दूंगा। अभी मैं गाने सुन रहा था थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि भाई जान लगा देंगे। नीचे आ गई है बसें, ये देखो इन बसों में हमें लेके जाएंगे, यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे मिस्टर बीस ने बहुत बड़ा अपना एक मतलब ऑफिस टाइप में बनाया हुआ है, वहीं पर ही गेम्स वगैरह होती है, वहीं उनकी एडिटिंग होती है, सब चीजें एक ही बिल्डिंग के अंदर होती है। तो वहीं पर ही लेके जा रहे हैं हमें गेम खिलाने के लिए। और मिस्टर बीस के एक टीम मेंबर है जो मेरी वीडियोस ही देखते हैं, तभी उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, तो वो काफी अच्छे मेरे दोस्त बन गए हैं। तो मैं उनको बोल रहा था अगर इंडिया में ऐसी गेम्स कराई जाए तो कैसा होगा, तो उन्होंने बोला यार बहुत बढ़िया है, इंडिया में मिस्टर बीस के जैसे अभी कोई भी गेम नहीं करा रहे हैं। टाइम आ गया है चलते हैं। तो ये है गेम 100 लोगों की, जो लास्ट में बचेगा एक बंदा वो जीतेगा $250,000। बट हमारी जो टीम में एक बंदे ने हमें धोखा दे दिया जिसकी वजह से हमें बाहर आना पड़ा। सो फाइनली वी आर बैक एंड दिस साइड ऑफ द फ्लोर लूज द गेम। हाय गाइस, वी आर लूजर्स। Losers because of a loser. What do you think about loser? What do you think about the game? I mean the game was cool, but we picked the wrong captain and he fucked us. Yeah, right? And what do you think? By the way, that's his room. Oh, that's yes. Oh my! Ooh, look at shit in his bag. Guys. Yeah. Fun. Mm-hmm. Well, it is what it is. Yeah. But now I'm ready to go home and mm-hmm. back to my life. I'm tired of this. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Are you happy or? I'm happy. Happy. I'm winning, man. Think about that, buddy. It's fun. Jimmy, Mr. Beast was ready to pay almost $1 million to that person who will walk out. But yeah, that guy, he was so greedy and just with $100,000 he came out. And that was not right decision, but that's he took, right? Yeah. Game jo thi na yaar, badi jo start hui thi, toh main lucky samajh raha tha. Jab ek draw hua, us draw ke andar bhai nahi nikla main. मतलब उसके अंदर सोच लो कि 25 बंदे के करीब निकले और उसमें मेरा मतलब नंबर नहीं आया, तो मैं सोचा था यार शायद मैं लकी हूं और शायद जीत जाऊंगा। मगर धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ती गई तो मुझे समझ आने लगा कि कुछ भी हो सकता है। और जब ये बोल रहे थे ना कि कैप्टन को चूज करो, तो मैंने बोला कि नंबर 39 को चूज करो क्योंकि वो सबसे मैच्योर थी और वो राइट डिसीजन लेती। मगर सब लोगों ने बोला कि नहीं, मिडल वाली रो में चूज करना चाहिए नंबर 30 या 31, और वो दोनों फ्रेंड थे। मुझे समझ आ गया था उन्हीं में से ही चूज करेंगे लोग, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होएगा, क्योंकि एक रो उधर थी एक रो इधर थी, तो वो एक्चुअली थोड़ा कम्युनिकेट कर पाते दूसरे लोगों से। बट मुझे ये समझता कि मैं नंबर 30 से तो कभी मिला ही नहीं, मैं क्या ट्रस्ट करूंगा। तो मैं इधर लोगों को बोल रहा था अगर ये नंबर 30 के बाद चांस आया ना, अगर उनको भगाने का किसी को, तो सबसे पहले हमें ही भगाएगा, क्योंकि हम लोगों से कभी बात ही नहीं हुई, हमारी फ्रेंडशिप ही नहीं हुई उसके साथ। मिस्टर बीस कह रहा था कि मैंने 100,000 किया था, उसके बाद मैं 200-300 ऐसे करके मिलियन प्लस लेके जाने वाला था। मुझे पता था कोई ना कोई तो भैया ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनली वो बंदे ने 100,000 लिए, जो कि इंडिया के कितने बनते हैं यार,
मतलब लगा लो 80 लाख में से उसका टैक्स वगैरह कटके 50 लाख मिल गए हैं उस बंदे को। अभी आप लोगों ने इतनी वीडियो देख ली है और आप लोगों ने मिस्टर बीस्ट की भी वीडियो देख ली, आप लोगों को समझ आ गया कि भाई मैं गेम से बाहर हो चुका था। उसका रीजन ये था कि भाई जो नंबर 30 था ना यार, वो एक नंबर का धोखेबाज था। मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों ने उसको बोला था कि भाई हम तेरे को चूज कर रहे हैं, इसलिए चूज कर रहे हैं कि भाई हमें गेम में रहना है, निकालियो मत हमें गेम से। और हमें पहले ही पता था शायद हो सकता है पैसे वगैरह ऑफर करे। और मिस्टर बीस्ट ने ना बहुत सारी क्लिपें नहीं दिखाई, तो मिस्टर बीस्ट मेरे रूम में आए थे और कहते थे कि भाई तूने नंबर 30 को क्यों चूज किया। तो मैंने बोला कि भाई मैंने नंबर 30 को इसलिए चूज किया है क्योंकि सब चूज कर रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर वो क्लिप दिखाते तो मैंने यही बोला था, मैं बोला मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इसलिए नंबर 30 को कर रहा हूँ। और मैंने फिर ना उसमें भी बोला, मैं बोला नंबर 30 याद रखियो, हम लोगों को गेम खेलनी है, गेम से मत निकाल दियो चाहे कुछ भी हो। और बंदा पता क्या कह रहा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मदर स्वेयर, मैं किसी को नहीं निकालूंगा। और जैसे ही पैसों की बात आई तो भाई बंदे ने धोखा दे दिया। मुझे पता है गेम है, ये गेम खेल रहा था वो, बट यार धोखा देना गलत था। तो यार ये गेम का पार्ट था, तो उसको जो भी अच्छा लगा उस बंदे ने किया। अब क्या बोल सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब तो काफ़ी लंबी बात हो गई है, बट आज वीडियो आई है तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने पहचान लिया कि भाई शंटी भाई वहाँ पर है। थोड़ी देर के लिए आया, और मेरे थोड़ी देर के लिए क्लिप इसलिए आई क्योंकि है ना, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग के है ना 5-6 मिनट में ही मैं निकल गया था। पहले दिन ही हम लोग निकल गए थे और 24 आवर के अंदर। उसके बाद जो गेम थी ना टोटल भाई 4 से 5 दिन चली है। तो अगर मैं शायद 2-3 दिन रुकता तो और भी वीडियो के अंदर मैं दिखता। मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि उधर के जान लगा दूंगा मैं, बट भाई ये जान लगाने की नौबत ही नहीं आई, बंदा धोखा दे गया। वही है कि कोई धोखा दे देता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट भाई जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा आप लोग वीडियो में डर रहे हो ना, उससे ज़्यादा डर लग रहा था वहाँ पे। और जब हम लोग क्यूब में थे तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मेरा पहली बार लाइफ में हुआ था। तो मिस्टर बीस की टीम ने यही बोला था कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो एक्सपीरियंस था ना, मैं लाइफ टाइम याद रखूँगा। अभी भी मेरे दिमाग में आता ना यार कि कैसे हम लोग उसमें क्यूब में थे। और मेरे को तो रात को भी सोया था मैं, आप लोगों ने देखा था उससे पहले 2 गेम हुई थी उसमें मैं बच गया था। लकी था मैं कि भाई जब वो नंबर चूज़ कर रहे थे उसमें से एक बॉल उछल रही थी, आप लोगों ने देखा था, उसमें भी मैं बच गया था। तो मैं लकी फील कर रहा था कि हाँ यार मैं इधर तक पहुँच गया, मतलब रात को भी मैं उसी के अंदर सोया था, अगले दिन उठे तब मैं निकला था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मिस्टर बीस से काफ़ी बातें हुई वहाँ पे। तो मिस्टर बीस यार बड़ा सही है बंदा, मतलब एकदम कूल रहता है। ये नहीं है, मतलब मैं सोचता था यार कि बंदा इतनी बड़ी गेम करा रहा है तो बहुत हलचल रहती होगी, नहीं यार बंदा एकदम सिंपल सोबर। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये लगी कि उनका एक टीम मेंबर है जो मेरी वीडियो देखता है। यार मेरे को ये यकीन नहीं होता, मेरी वीडियो तो हिंदी में होती है और वो बंदा कैसे देखता है। तो उसने बोला यार मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी आपकी, मुझे अच्छा लगा, और उसी बंदे ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो मुझे ये अच्छा लगा, चलो मिस्टर बीस की टीम वाले बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो यार मैं कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ जो कि भाई यहाँ पर अमेरिकन लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसी भाई मैं बनाता रहूँगा और आगे। तो यही है। और एक मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आ रही थी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि इन फ्यूचर अगर मैं इस तरीके की गेम इंडिया में कराऊं, क्योंकि जो मिस्टर बीस्ट की टीम के बंदे हैं ना वो भाई अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई इन फ्यूचर दोबारा मिलते हैं, मैं उसके बाद एक बार ही और मिला था उनसे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उनको बोला था मैं इंडिया में गेम कराना चाहता हूँ, तो कह रहे थे कि वो पूरा प्रोसेस बताएंगे मेरे को कि किस तरीके से इतनी बड़े लेवल पर गेम होती है। तो मैं सोचूंगा अगर आप लोग बोलते हैं इंडिया में गेम कराने को, तो इन फ्यूचर मैं आके इंडिया में 1-2 गेम करा के देखूंगा। अगर वो वीडियो चलती हैं तब मैं और भी कराऊंगा। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे अभी तो शंटी भाई मेक्सिको से वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे पनामा की तरफ, हाँ भाई वो वीडियो भी कंटिन्यू होंगी इसके बाद, बट ये वीडियो डालनी ज़रूरी थी क्योंकि आज मिस्टर बीस ने डाला है, तो मैं सोचा आज ही डाल देता हूँ। और चलो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ, फिर अपनी जो सीरीज़ है वो चालू होएगी और फिर जल्दी मैं अमेरिका की बनाऊंगा और पूरी दुनिया के हर एक कंट्री में मैं ट्रैवल कर रहा हूं और हो सकता है जल्दी मैं इंडिया आके इस तरीके से गेम शो भी बनाऊं। तो चलो दोस्तों अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मैं जल्द मिलूंगा आपको किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।